वेलकम टू वेबलाइन। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के दौरान यंग मुली ही एकमात्र शुनान का फ्रेंड था, बाकी तो कोई स्टूडेंट उससे बात करना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन शुनान थकान लगने के कारण बेंच पर ही सो गई थी, तो यंग मुली उसे सोते हुए देखने लगता है। उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि तुम मीटिंग में कब आने वाले हो, तो यंग मुली मीटिंग में जाने से मना कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, शुनान को यंग मुली से माफ़ी मांगनी थी इसलिए वो आज इतना ड्रेसअप होकर आई थी, लेकिन यंग मुली तो उसे बस एक बार देखकर अपने रास्ते छाने लगता है, तो वो उसे रोककर कहती है कि लूजर को विनर को ट्रीट देनी पड़ेगी, क्या हमने ये डिसाइड नहीं किया था। यंग मुली कहता है कि फिर आज रात 8 बजे हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं और डिनर की ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी। शुनान कहती है कि मेरी तरफ से क्यों, मैं थोड़ी ना लूजर बनी थी। वो कहता है कि देखो ना, मेरे हाथ में चोट लग गई है। शुनान कहती है कि तुम क्या बहाना मारकर बचना चाहते हो। वो दोनों ही ऐसे हंसते मुस्कुराते बात करते हुए जा रहे थे, दूर से उन दोनों की बातों को चुयाव ने सुन लिया था। अगले सीन में शुनान चिंग को कॉल करती है। चिंग उसे पूछती है कि क्या अभी तुम मिस्टर यांग के साथ नहीं हो। वो कहती है कि मैं अभी रेस्ट रूम में हूँ। चिंग कहती है कि तुम्हारा स्टमक एक क्या शुरू हो गया। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि मेरा ये पहली बार है कि मैं किसी लड़के के साथ डिनर करने बाहर आई हूँ। चिंग कहती है कि तुम तो बड़ी ही मुफ्त हुआ करती थी, फिर आज क्या हुआ। जो भी अपनी फीलिंग्स है उसे डायरेक्टली बता दो, क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँ। ये सुनकर वो कॉल कट कर देती है। यंग मुली अभी शुनान का इंतजार कर रहा था, तभी ही वो रेस्टोरेंट के बाहर दो कपल्स को देखता है। वो दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट थे एंड उन दोनों को देखकर यंग मुली को अपनी याद आ जाती है। वो अपनी एक पुरानी मेमोरी याद करता है कि हाई स्कूल के दौरान ग्रेजुएशन के बाद उसने शुनान को मिलने के लिए बुलाया था एंड इसके लिए उसने एक लेटर भी उसके डेस्क पर छोड़ा था। दूर से यंग मुली ने देखा कि शुनान ने उस लेटर को पढ़ा, लेकिन वो उस जगह पर आई ही नहीं। यंग मुली ने उस जगह पर शुनान का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद शुनान उसे कहीं दिखी ही नहीं। प्रेजेंट में यंग मुली सोचता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। आज रात मैं शुनान से सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 7 साल पहले ऐसा भी क्या हुआ था कि वो मुझे मिलने नहीं आई। चुयावा कर कहती है कि यंग मुली तुम यहाँ कैसे, तभी ही वहाँ पर शुनान आ जाती है। उसे देखकर चुयाव कहती है कि क्या इत्तेफाक है, अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर हो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। वो सीट पर बैठकर कहती है कि क्या मैंने तुम दोनों की डेट को ख़राब तो नहीं कर दिया ना। ये सुनकर शुनान कहती है कि हम डेट पर नहीं आए हैं, हमने तो बस एक शर्त लगाई थी, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे को मिल ट्रीट दे रहे हैं। तभी ही वहाँ पर वेट्रेस आती है। यंग मुली और शुनान दोनों ही भर भर के खाना मंगवाते हैं। जब वेट्रेस चुयाव से पूछती है तो वो बस एक छोटा सा सैंडविच मांगती है। ये सुनकर ये दोनों ही सोचते हैं कि ये इतनी दूर यहाँ पर सिर्फ एक सैंडविच खाने आई। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।